नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। कांग्रेस ने 2024 चुनाव के लक्ष्य को भेदने के लिए रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। तभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपने भावी सहयोगियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि इससे लोकसभा की सीटों के बंटवारे में दबाव बनाना आसान होगा। पिछले दिनों विभिन्न दलों से होकर वापस अपने घर पहुंचे पूर्व विधायक इमरान मसूद का कांग्रेस में आना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। देश में इंडिया गठबंधन बनने के बाद उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कौन कितनी सीट पाएगा और कौन कितनी सीट देगा, इसको लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में वो सीट बांटने वाले हैं, यानी कि वो यहाँ पर बड़े दल के रूप में है और वो जितनी सीट छोड़ेंगे उतने पर कांग्रेस और आरएलडी समेत गठबंधन के दल लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी तीनों फिलहाल अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सभी 80 सीटों पर चुनाव के लिए तैयारी करने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीटों के मसले में आखिरी फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम यूपी में मुस्लिम मतों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए पूर्व विधायक इमरान मसूद को आगे कर दिया है। पार्टी का मानना है कि इमरान के आने से समाजवादी पार्टी और रालोद पर वो दबाव बना पाएंगे। उसका ये भी मानना है कि मुसलमानों में कांग्रेस के प्रति बढ़ते रुझान से राष्ट्रीय लोकदल का रुख नरम हुआ है। इसलिए पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी का MY वोट बैंक उतना मजबूत नहीं है जितना वो पूर्वांचल में है। वहाँ यादवों की आबादी अपेक्षाकृत क्रम होने से समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में कभी उतनी मजबूत नहीं रही है। माना ये भी जा रहा है कि इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना ये दांव चला है। इमरान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे, लेकिन सपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। फिर वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, लेकिन बसपा में रहते हुए उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और इस कारण उनका निष्कासन भी हुआ। अब वो कांग्रेस में वापस आ गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।